जय हिंद। नमस्कार मेरे श्रेष्ठ, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमाल अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो SSC GD इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उन सब के लिए, और जो बच्चे अब SSC GD जो अगस्त वाली आ रही है उसकी तैयारी करने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ में जो बच्चा है इसने इस बार SSC GD में जो स्कोर किया है वो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक स्कोर है, क्योंकि इसने अभी लगभग 150 यानी 148.5 नंबर अचीव किए पेपर में, जो इसके रो मार्क है यानी 80 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है, और जो 5 क्वेश्चन इसके गलत हुए हैं वो भी मात्र एक जीके के पोर्शन में गलत हुए हैं। तो आज इस बच्चे से भी जानेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, इसकी रणनीतियां कैसे थी, और साथ ही आप सबको बता दूं ये जो आप पीछे हमारी फोटो देख रहे हैं ये SSC GD 2023 वाले के समय की है, जब इस लाडले का सिलेक्शन हो गया था CRPF में, लेकिन इसने उस समय ज्वाइन नहीं किया था। SSF के लिए इसका जो सपना है वो SSF में जाने का है, ठीक है। तो अभी आपको प्रूफ के लिए कि कई बच्चों का किसी प्रकार का संदेह ना रहे, ये इसके रोल नंबर और पासवर्ड है। क्या नाम है लाडले? विवेक गहलोत। विवेक गहलोत कहां से? यूपी बिजनौर। यूपी बिजनौर से। कैटेगरी? जनरल। जनरल कैटेगरी से। ये इसी बच्चे के रोल नंबर है 3016-01-51-93। अगर किसी को डाउट हो तो इसके आंसर की हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं कि इसका जो स्कोर है वो अभी आपको बता देंगे। स्कोर 148 यानी आपको कोई भी क्वेश्चन इसका गलत दिखेगा नहीं, ये आंसर की हम टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन आंसर इसने जो दिया है वही आंसर उधर मिलेगा। सिर्फ जीके के 5 क्वेश्चन गलत हुए, और जो 5 क्वेश्चन जीके के गलत हुए वो भी मैं आपको बता दूं, देखो तैयारी में कितना दम है। जीके के जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना वो भी बता दूं, उसमें से 4 क्वेश्चन सिर्फ करंट जीके के, आप वो क्वेश्चन भी जान लो कि जो इसके गलत हुए ना, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कैसी तैयारी है, तभी आपको सीखना चाहिए जिन्होंने इतना अच्छा नंबर अचीव किया है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए। पहले मैं वो बता दूं जो इसके 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन है? एक तो ये जी सही है, क्वेश्चन था अपर्णा पोपट निम्नलिखित में से कौन से खेल खेलती है। लाडले ने आंसर दिया था टेबल टेनिस, जबकि इसका आंसर था बैडमिंटन। करंट जीके का क्वेश्चन था ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन खत्म गलत हुआ था, संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में किस वर्ष को नामित किया था। आप देख लो कितना डिटेल में क्वेश्चन था, आंसर था 2005, लाडले ने आंसर दिया था 2007। 80 के 80 क्वेश्चन अटेंड किए थे, 2 क्वेश्चन तो ये गलत हुए थे। तीसरा तैराकी के नियम विरुद्ध, तैराकी में नियम विरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनी होती है। लाडले ने आंसर दिया था 2, जबकि इसका आंसर था 0, यानी कोई भी चेतावनी नहीं होती। ये क्वेश्चन आप देखो तैराकी से संबंधित इतना डिटेल में, सिर्फ कोई तैराकी का खिलाड़ी होगा वही जान सकता है, खिलाड़ी के बस की बात है, बाकी के लिए कितना हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन इसके गलत हुआ है ये ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी, ये इसने गलती से मिस्टेक कर दी, यानी बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसने आंसर कर दिया था भारत, जबकि ये ऑस्ट्रेलिया, इसको पता भी था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये बाय मिस्टेक से ये क्वेश्चन मतलब सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होने के कारण, बाकी इसको पता था क्योंकि ये सबको पता था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, हम हार भी गए थे, ठीक है। नीचे ऊपर है सर, एक क्वेश्चन ऊपर है, एक क्वेश्चन कौन सा है ऊपर, और सबसे शुरू में, सबसे शुरू में ये मद्रास। हाँ, एक जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो था मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि किसे दी गई, AR रेमन। ये इसमें से जैसे 4 जो क्वेश्चन है वो करंट जीके के, और एक क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, 5 क्वेश्चन इसके गलत हुए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सही है। तो लाडले सबसे पहले तो ये बताए कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए, पहले ये बता 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट है? 8 थी सर मेरे पास। 8 सब्जेक्ट? जी जी। आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, 10th क्लास में कितने परसेंटेज है? 10th में 87। 87 परसेंटेज, और 12th में? 96 परसेंटेज है, भाई इंटेलिजेंट तो है ये शुरू से, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए SSC GD की? सर SSC GD की तैयारी करते हुए सर मुझे पिछली वैकेंसी में मैंने पेपर दिया था सर, लगभग 2 साल के लगभग हो गए। 2 साल से ज्यादा हो गए, ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार भी लाडला पेपर क्रॉस कर चुका है। अब देखो तुम एक चीज का धैर्य समझो, तुम में से ज्यादातर बच्चों में धैर्य नहीं होता, जैसे अभी पेपर में मान ले कम नंबर आए और वो क्या करेंगे तैयारी छोड़ देंगे, सबसे बड़ी गलती। ये लाडला था पिछली बार सिलेक्शन हो गया लेकिन फिर भी रुका नहीं और तैयारी किया बिना ज्वाइनिंग किए,
इतना धैर्य और विश्वास है खुद के ऊपर कि एक बार और अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, पिछली वैकेंसी का जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बीच में ये कितना डिफरेंस था, कितने महीनों का? पिछली बार पेपर कब हुआ था? एक साल का डिफरेंस होगा, फरवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था, यानी एक साल तक इसने तैयारी की है वापस। अब आपके सामने तो अगस्त वाली भर्ती है, उस समय तो इस भर्ती के अनाउंसमेंट भी नहीं थी, भर्ती के अनाउंसमेंट नहीं थी। अब आपके सामने तो अगस्त वाली भर्ती है और फिर भी आप मतलब तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो, आप इतना निराश हो गए हो, मतलब आप कह नहीं सकते कितने आप मतलब निराश हो। ठीक है, तो लाडले 12th पास कब की थी? 2021 में। उसके बाद में, उसके बाद में सर मैं पहले मतलब किस किस एग्जाम की तैयारी की है? पहले मैंने एग्जाम की तैयारी की थी जीडी की, एसएससी जीडी की। फिर जब उसमें मैंने सीआरपीएफ में वो नहीं किया तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें हो गया था, नंबर अच्छे थे लेकिन फिजिकल में समय नहीं मिल पाया तो फिजिकल नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर यूपी पुलिस का भी एग्जाम था वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया। और इसके बाद फिर ये जीडी का दिया था, ये आपके सामने अभी चौथा क्वेश्चन और सामने क्या है, तो 148 नंबर है भाई, आप खुद चेक कर लेना, 148.5 है, मैं कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। अच्छा, अब तेरे हिसाब से किसको कैसे तैयारी करनी चाहिए अगर कोई जैसे नया बच्चा है? अगर कोई नया बच्चा है तो सर मैं उसे यही सजेस्ट करूंगा कि उसे पहले ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नया बच्चा आता है सर उसका बेस क्लियर नहीं होता, बेस क्लियर नहीं होता जी। अगर जब बेस क्लियर नहीं होगा तो आप बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि आप सीधा अगर एग्जाम में जाकर बैठेंगे अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट पर प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। अगर मान लो कोई नया बच्चा जैसे मान लो 12th पास किया है जी, या कोई भी वो 10th पास करके अगर तैयारी करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन तैयारी, आजकल बहुत सारे बच्चे तो ये ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तैयारी करना ठीक है या ऑफलाइन तैयारी करना ठीक है? सर मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन तैयारी करना ही ठीक है नए बच्चे के लिए। हाँ, नए बच्चे के। और उसके पीछे का रीजन ये है कि नए बच्चे का बेस क्लियर नहीं होता जी, तो उसको ऑफलाइन में जाना चाहिए, ऑफलाइन में जाना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चा मान के चल अभी इस बार जैसे तैयारी किया है उसके नंबर कम आए मान लो 100 के आसपास है, उसके लिए क्या सजेशन है तेरा? उसके लिए ये है कि वो ऑनलाइन कंटेंट भी ले सकता है, मतलब एप्लीकेशन से पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? जैसे अगर मान ले किसी बच्चे के इस बार 100 के आसपास नंबर है, अब उसे किस चीज पे अपनी गलतियों पे ध्यान देना चाहिए, कैसा फोकस करना चाहिए? अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, जैसे आपके बार 100 आया है तो आपको अपनी वो गलतियां पकड़नी चाहिए जो आपके पेपर में आपसे हुई है। कहने मतलब अपनी आम स्थिति को उठा के देखना चाहिए, उसमें जो जो क्वेश्चन गलत किए हैं उनको नोट कर लेना चाहिए, उनके टॉपिक्स के नाम आगे लिख लेना चाहिए कि ये टॉपिक्स में मेरी ये कमी जी है, ये बात सही है, और फिर उस पे वो काम करके फिर वो नंबर अच्छे ला सकता है अगली भर्ती में जी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है जैसे बच्चों के लिए? एक तो मॉक टेस्ट बेटर ऑप्शन है, जैसे मान के चलो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, कुछ बच्चे साइंस में सब्जेक्ट से, कुछ बच्चे बहुत एवरेज बच्चे हैं, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तीनों के लिए बताते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सजेस्ट क्या हो सकता है तेरी तरफ से? जो मेरी तरफ से जो बेस्ट सजेस्ट है वो यही है कि मतलब तीनों अलग अलग कैटेगरी है, सबसे पहले बताना है कि जो एवरेज बच्चे जिनके मान लो 10th में भी ज्यादा स्कोर नहीं है और उनमें अब बुद्धि आई है, अब तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा का जैसे 10th में है वो एवरेज बच्चा है तो उसे पहले ऑफलाइन ही कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, और अगर कोई बच्चा है जो मतलब इस बार 10th 12th मान लो पास किया लेकिन है इंटेलिजेंट, उसके लिए क्या सजेशन है? उसके लिए भी यही है कि वो 2 या 3 महीने कम से कम बुक या 3-4 महीने पहले बुक से ही तैयारी करे ऑफलाइन, और बाद में थोड़े धीरे धीरे ऑनलाइन का वेटेज बढ़े, मतलब पहले तो उसको भी एक बार कम से कम ऑफलाइन करना चाहिए। ऑफलाइन करने का फायदा ये होता है, देखो एक चीज ये भी जो लाडला बता रहा हूँ वो भी मैं भी बता दूं, ऑफलाइन तैयारी करने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, चाहे आप कहीं से भी करो, मैं ये नहीं बोलता कि भाई आप कमांडो अकेडमी से करो, ध्यान रखना ये लाडला बोल रहा तो इसका मतलब ये भी मत सोच लेना तुम कि भाई यहीं से करो। ठीक है, ऑफलाइन तैयारी करने से फायदा ये होता है कि जैसे आपके ग्रुप में जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनसे आपको काफी मदद मिल जाती है कि सिलेबस क्या है, ट्यूशन कैसे आते हैं, उनसे आप ट्यूशन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में आप ट्यूशन तो नहीं पूछ सकते किसी से भी, भाई ये मेरे को ट्यूशन समझ में नहीं आया वापस बताओ, या प्रैक्टिस के दौरान ऑफलाइन में आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, साथ और मान लो जैसे ऐसा बच्चा कोई पास में आपकी टेबल पर बैठा है तो इससे आप पूछ सकते हो कि ये कैसे होगा, तो वो बता देगा, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी हर जगह। ठीक है, और जो बच्चे इस बार जो तैयारी कर लिए और मान लो कुछ अंकों से पिछड़ रहे उनके लिए सबसे बेस्ट अब क्या है, उनके सबसे ज्यादा जरूरी है वो तेरे हिसाब से उनके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? मेरे हिसाब से सर उनके लिए बेस्ट चीज यही है कि वो अपनी गलती देखें, क्योंकि गलती कहाँ रही है, जैसे जीएस का पोर्शन है उसमें देखें क्या स्ट्रेटेजी में मेरी गलती है, या करंट में मैं कहीं वीक हूँ, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो भी जिसका वेटेज है सब्जेक्ट का, उसमें अपनी मतलब देखें कि कमजोरी कहाँ है और अपनी कमजोरी को पकड़े। हाँ, अपनी कमजोरी को पकड़े और सिर्फ उस पर काम करें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं,
यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी है जैसे कि मान के चलो अभी उनको समय हो गया तैयारी करते हुए, मान लो 2 साल हो गए और फिर भी वो रह गए, तो उनके मन में निराशा तो आ ही जाती है। उनके लिए क्या मतलब बोलने जाएगा, क्योंकि भाई उनको किस प्रकार से अब अगस्त तक उसको पेशेंस बना के रखना चाहिए। नहीं, अगर आप अपना एक गोल बना के चलेंगे कि हाँ मैं फ्यूचर में कुछ चीज अचीव करनी है तो वो हो जाएगी, क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि मैं पिछली बार भी था सीआरपीएफ में नहीं की और 1 साल तक लगातार तैयारी की मैंने, तो ऐसा तो मुझे भी नहीं पता था कि वैकेंसी आ जाएगी एसएससी जीटी की। मैं तैयारी तो जरूरी भी नहीं कि भाई मेरा इस बार इतना अच्छा स्कोर, विश्वास था खुद कि भाई मैं उतने, मान लो अगर पिछली बार इसके 130 पे, अभी भी 130 पे रह जाता तो इसको तो कितना दुख होता कि यार इससे अच्छा तो मैं पिछले साल ही ज्वाइन कर लेता, क्योंकि इसके साथ के जो बच्चे हैं वो देखो, ये जो मैं ये बच्चे हैं ये सब ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, इन बच्चों की ये इसके साथ के हैं, इनकी तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये अब ज्वाइन करेगा तो इसके अंदर इस बात का धैर्य भी था कि नहीं मैं कुछ अच्छा करूंगा, इसी चक्कर में रुका है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे जरूरी है आपके लिए सिलेबस। जी, जो नए बच्चे हैं तो आपको एसएससी जीडी के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है ओल्ड पेपर। एक बार मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओल्ड पेपर है, क्योंकि होता क्या, कई बच्चे क्या करते हैं एसएससी जीडी में, तुमने भी देखा होगा, गलती क्या करते हैं कि एसएससी जीडी का जो लेवल है ना उससे ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करते हैं। आपको लेवल से ज्यादा अगर आप तैयारी करने की कोशिश करोगे तो सर पर इस पे ना बर्डन बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एसएससी जीडी का लेवल क्या है। लेवल से बाहर क्वेश्चन गया क्या? नहीं सर। कोई भी क्वेश्चन था किसी भी शिफ्ट में, तुमने और भी आंसर की देखी होगी? नहीं सर। एसएससी जीडी का जो लेवल है ना वो बिल्कुल लो है जी भाई। बाकी अगर हम एमपीएस की बात करें या इसके लेवल के और कोई एग्जाम हो उनसे तो काफी लो है, उनसे काफी लो। तो आपको लेवल भी जरूरी होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं एक्स्ट्रा होशियार होने के चक्कर में क्या करते हैं, वो डीप डीप क्वेश्चनों में फंसे रहते हैं, हमेशा उलझे रहते हैं और उसके चक्कर में छोटे छोटे क्वेश्चन खो देते हैं। मेन चीज है कि आपके पास कंटेंट क्या है, पढ़ने के कंटेंट तो बहुत है लेकिन आपके उपयोग का कौन सा है, यूज का कौन सा है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब मान के चलो अभी आपको किसी शहर जाना है, अब हिंदुस्तान में शहर तो बहुत है लेकिन आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली हाईवे पकड़ो, उसमें अब आप देखो सबसे शॉर्ट क्या है कि भाई ये तरीका ध्यान रखना। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो आप एसएससी जीडी की ओल्ड पेपर की बुक आपके पास में होनी चाहिए। ये हमारी बुक, ये हमने पिछली बार एसएससी जीडी ओल्ड पेपर की निकाली थी। इस बुक में जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे कई बच्चों के पास में पहुंच गई, अगर नहीं है आपके पास तो आप ले भी सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन से, या आप और भी कोई ओल्ड पेपर की बुक देखना। इससे ऊपर लेवल था क्या? नहीं सर। पिछली बार से ऊपर लेवल था तो इस बार जो लेवल आया क्वेश्चन, यानी ये लेवल ले लो और पिछली बार अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक नहीं लेनी तो सबसे बढ़िया एक सजेशन देता हूं मैं आपको। अभी जैसे इन बच्चों के आंसर किए ना, हम लगभग 50-60 बच्चों के आंसर की डालेंगे टेलीग्राम ग्रुप में कमांडो केडी में के, तो आपके पास में पेपर तो वैसे ही पहुंच जाएंगे, आप वो बुक लेने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आपके पास में वो होनी चाहिए तभी तो आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। और अब तैयारी करने में, तैयारी करते समय तेरे हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता दे जल्दी जल्दी कि किस सब्जेक्ट की कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर पहले बात करें जीएस की तो जीएस में आपका पहले यही एक होना चाहिए कि आप पहले उसे डीपली पढ़ें, डीपली पढ़ने के बाद थ्योरिकल पोर्शन पढ़ें, ठीक है। उसके पढ़ने के बाद आप उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उन्हें निकालिए, उसे निकालने के बाद उसे लिख लिख के याद कीजिए। और दूसरा आप वस्तुनिष्ठ, जैसे ये हो सकता है जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके वस्तुनिष्ठ आप कोई बुक से भी ले सकते हैं, मतलब उस बुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद में आप वन लाइनर बना के लिख सकते हैं और लिख लिख के पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का जो मेन उद्देश्य बार बार एक ही चीज में मार रहा हूँ वो ये है कि लिख लिख के अगर याद करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, मतलब पेन चलाते रहना चाहिए स्टूडेंट को, वैसे ऐसे झूलते नहीं रहना चाहिए लाइब्रेरी वाली कुर्सी पे। अच्छा मैथ का? अब मैथ का जो है वो अच्छा, ट्वेल्थ में मैथ भी नहीं थी, मैथ और फिर भी मैथ में 20 के 20 क्वेश्चन सही है, मैथ के मैथ 20 कैसे सर वो? हाँ, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा 10th या 12th करके पास कर आएगा आप तो समझ रहे होंगे कि जो एग्जाम में जो मैथ पूछा था वो बेसिक पूछा जाता है 7th, 8th, 6th तक बस जो पूछा जाता है। हाँ सही है। और जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम देते हैं किस पर, बोर्ड एग्जाम के पेपर पर, कि 10th में जो मैथ आया उसे देखे हैं, 12th में देखे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप जो है मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बुक से करें या आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बुक तो होनी चाहिए। हाँ, बुक होनी चाहिए, बुक तो मैथ की हो चाहिए। और रीजनिंग का यह है कि आपको ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कंटेंट मिल गया, कैसा कंटेंट मिला, आप उस पर प्रैक्टिस करिए, तरह तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। और रीजनिंग के लिए तो सबसे अच्छी चीज ये है
जो इनके पेपर सेट है ना, जो अभी SSGD वाले, जैसे इनकी जो आंसर की दिखाई, ये आप अभ्यास कर लो इसका, जो आंसर की है तुम्हारी वाली, अगर उसका अभ्यास कर लेगा तो उसको कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। SSGD में ये क्लियर हो जाएगा लाडले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में हम डालेंगे आंसर की, बहुत सारे हमारे अकेडमी के ऑफलाइन जितने भी बच्चों सबके आंसर की आपको देंगे, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे। नहीं तो आपको कई बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, मैंने देखा है इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन पकड़ रखे हैं, उनके चारों तरफ घूम रहे होते हैं जबकि उनके काम का नहीं है। भाई जो आपका काम का है ना उस पे फोकस करो। अब जैसे बादाम है वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन एक 6 साल का बच्चा आप उसको डेली 200 बादाम खिला दो क्या होगा, तो नुकसान ही देगा। नुकसान देगा तो कहने का मतलब आप जिसके जितना यूज हो उतना काम में लो। आपको हाई लेवल की तैयारी करनी है तो आप वैसे क्वेश्चन लो, आपको SSGD की तैयारी करनी है तो आप वैसे ही क्वेश्चन लो। और देख लो लाडले इतना पेशेंस स्पेशली उन बच्चों में होना चाहिए जो तैयारी करते हैं, समय तो SSGD की नौकरी के लिए देना पड़ेगा। ऐसे तो काम नहीं होगा, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। इस लाडले का सिलेक्शन होने के बावजूद दोबारा तैयारी करने के लिए, मतलब CRPF मिलने के बाद, नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार मिल गई तो, इसने ज्वाइन ही नहीं की और वापस SSF के लिए। अब देखते हैं इस बार SSF की कट ऑफ कितनी जाती है, लकीली शायद इसका हो जाएगा। और SSF की इस बार पोस्ट कितनी पोस्ट हो वैकेंसी सर, टोटल सर 296। देखते भाई आपके भी अपने नीचे कमेंट में नंबर बताना कितने आए हैं। जय हिंद जय भारत।